दोस्तों ये हमने झूला बनाया, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं थोड़ी सी जानकारी झूले से रिलेटेड। तो जो भाई बनाने वाले हैं पहले उनको बताना चाहूँगा, ये जो साइज है 6.5 फिट गहराई है, 4 फिट की ये है, 2.5 फिट इसका साइज है, 4 फिट ये वाइड है। ऊपर की छतरी जो है वो 4x7 की छतरी है, ऐसे जो इसका लंबाई जो है वो 7 फिट है, हाइट इसकी 7.5 फिट है। यहाँ पे 7 और छतरी मिला के 7.5, छतरी अलग हो जाती है। छतरी के लिए आपको जरा दिखाना चाहूँगा, यहाँ से ये देखेंगे छतरी के साथ ये 2 नट जो है वो अटैच किए गए हैं, इसे अलग कर सकते हैं। और इसके ऊपर फाइबर शीट लगेगी, वो जो सामने आप फाइबर शीट देख रहे हैं ये वाली फाइबर शीट जो है ये ऊपर छतरी के ऊपर लगेगी। और बाकी वैसे भी आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नट दिया गया है, बाहर से दिखाएंगे ये साइड में, ये रहा एक नट, एक यहाँ पे और दो ऊपर, एक ये रहा एक उधर। इसकी वजह से ये पीस जो है इसे अलग कर सकते हैं, इस पीस को अलग कर सकते हैं, और ये बीच वाला जो सीन देख रहे हैं आप ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे बैरिंग कप दिए गए हैं जो कि मार्केट में 400 रुपये का एक मिलता है, और इसमें जब आप बैठ के झूला झूलते हैं तो इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको पूरे झूले का जो भी सामान लगा है और खर्चा कितना आया है ये बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे टाटा की पाइप उपयोग करी गई है। ये पाइप जो आप देख रहे हैं ये 2 इंची पाइप है, और बीच वाली जो पाइप है ये 1 इंची पाइप है, और 1 इंची के बीच में 1/2 की भी पाइप उपयोग की गई है जिससे कि ज़्यादा वजन ना बढ़े। ये 1 इंची पाइप है, ये 1/2 की पाइप है, और यहाँ पे भी ऐसे ही 1.5 इंची पाइप का फ्रेम बनाया गया है, 1.5 का और 1/2 का अंदर पाइप दिए गए हैं सारे। टोटल जो वेट है इसका 140 किलो है, 140 kg, 85 रुपये किलो टाटा की पाइप लगाई गई है, 11,900 रुपये का टोटल लोहा है दोस्तों जो कि इसमें उपयोग किया गया है। उसके बाद है ये जो आप देख रहे हैं, हम बोलते हैं संगड़, चैन बोल सकते हैं आप, ये जो संगड़ है ये 4 किलो लगा है, 100 रुपये किलो मार्केट में मिल जाएगा आपको, 400 रुपये का संगड़ उपयोग किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों ये जो 2 बैरिंग कप है जिसकी वजह से ये झूला जो है वो झूलता है और किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल साइलेंटली जो झूला है वो अपना काम करता है। 400 रुपये का एक है, 800 रुपये के 2 हो गए, और साइडों के नट मिला के और ये ऊपर जो आप फूल पत्तियां देख रहे हैं ये मिला के कुल 1,000 रुपये, 400 400 और ये फूल पत्तियां और नट मिला के कुल 1,000 रुपये इसके हो गए दोस्तों। इसके बाद आ जाता है पेंट और पॉलिश। यदि आप नॉर्मल पेंट करवाते हैं तो इस पूरे झूले का 1,000 रुपये खर्चा आता है, लगभग 500 रुपये का पेंट और 500 रुपये जो लेबर लेता है पेंट करने वाला। यदि आप इसके ऊपर जैसा यहाँ पे दिख रहा है यही वाला पेंट करना चाहते हैं तो ये पेंट के लिए आपको 2,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए पहले एक येलो कलर का पेंट किया गया, ऊपर से ब्राउन और ब्लैक के रेशे मारे गए हैं जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है और ज़्यादा मेहनत भी लगती है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये वाली फाइबर ग्लास शीट लगेगी, और इस फाइबर ग्लास शीट को 4x7 का जो ऊपर पीस लगना है शीट लगा के 1400 रुपये में शीट और सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू इसके ऊपर लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे लास्ट में आ जाती है हमारी लेबर जो हमने ये झूला बनाया है। तो जैसे कि आपको मालूम है 1 क्विंटल 40 किलो लोहा है, तो 3,000 रुपये हमारी इस झूले को बनाने की लेबर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो टोटल कीमत इस झूले की हुई है वो है 19,700 रुपये। यदि आप नॉर्मल पेंट करते हैं तो 18,700, यदि आप इसी तरह का पेंट करते हैं जैसा पेंट यहाँ पे रेशे वाला दिखाई दे रहा है लकड़ी के जैसा, तो ये 19,700 में कंप्लीट झूला आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे नट के लिए सुराख दिए हुए हैं, यहाँ पे नट भी मार सकते हैं। बाकी इस झूले पे कितना भी आप जोर से कोई झूलता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पलटी नहीं मारेगा। तो आशा करता हूँ आज का यह ज्ञान आपको पसंद आया होगा। वीडियो के एंड में झूले की कुछ फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।